अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले 24 घंटों के अंदर जो है BTC की प्राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें जो है आलमोस्ट 6% तक का जो है ड्रॉप देखने को मिला है। और इसके साथ साथ ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि आल्ट कॉइन जो है वो बुरी तरह क्रैश हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है और BTC दोबारा कहाँ से रिकवर कर सकता है, किस तरह हमने ट्रेड सेटअप बनाने हैं, हर चीज़ जो है मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज से 2 दिन पहले जो मैंने BTC की अपडेट कवर की थी उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था कि BTC जो है अपने इस डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एरिया से जो है वो डाउनवर्ड को डंप कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रही थी। और एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर चार्ट पर देखें तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बिटकॉइन जो है क्रैश कर गया। और जितने लोगों ने जो है यहाँ पर फ्यूचर शार्ट का ट्रेड सेटअप बिल्ड किया उन लोगों ने जो है आलमोस्ट बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि बहुत सारे लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी तक आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो सबसे पहला काम ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन कर लें, दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों BTC के ओवरव्यू की बात की जाए तो इस वक्त जो है 6% तक पिछले 24 घंटों के अंदर इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है। $1.17 trillion का मार्केट कैप है, $41 billion इसका वॉल्यूम है पड़ा, और न्यूज़ वगैरह मार्केट के अंदर कोई सॉलिड नहीं है पड़ी। एक सिर्फ न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ ये है कि यहाँ पर जो है एक माइनिंग कंपनी ने जो है वो बैंकक्रप्ट हो गई है। और टेक्निकली यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो वीकली चार्ट जो कि मैंने लास्ट वीडियो वीकली कैंडल की ओपनिंग पर ही बनाई थी, तो हमारे पास जो है वीकली कैंडल की ओपनिंग जो है इसके फिब के की लेवल से बिलो की हुई थी, जो कि पॉजिटिव साइन नहीं था। और स्ट्रक्चर जैसे ही बैरिश हुई तो हमारे पास जो है बिटकॉइन जो है वो क्रैश कर गया। और इस वक्त जो है वीकली चार्ट के लिए हर हालत के अंदर ज़रूरी है कि हमारे पास जो है $60,000 वाले एरिया से जो है वीकली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर BTC की क्लोजिंग अबव की हो, तभी चांसेस हैं पड़े कि हमें जो है अपवर्ड को बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन जो करंट हालात मुझे नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कि BTC की प्राइस जो है वो आसानी से $56,000 और उसके बाद जो है हमें ये ऐसा जो है $51,000 तक भी देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आप दोस्तों को जो है अभी डिटेल से समझाता हूँ। उसके लिए जो है आप लोग अगर यहाँ पर जो है डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर चले जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स वगैरह अप्लाई करते हैं MACD और RSI, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिकेटर्स भी हमारे पास जो है वो दोबारा से बैरिश हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर्स भी बैरिश हो चुके हैं और मार्केट के अंदर फिलहाल जो है हमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिल रही। और लास्ट कैंडल जो लगी है अगर इसके अंदर नोटिस करें तो आपको कितना ज़्यादा जो है बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ जो है हाई लेवल की सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। इस वजह से जो है अभी भी जो है मार्केट के ऊपर आप कह सकते हैं कि सेलर्स जो है वो कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग है पड़े। और अगर आप ऑन चेन एनालिसिस की यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट्स की रेशियो की बात करें तो सेलिंग प्रेशर अभी ज़्यादा है। लिक्विडेशन की बात करें तो डाउनवर्ड की लिक्विडेशन हमें जो है यहाँ पर अराउंड $56,000 तक देखने को मिल रही है। तो मेरे नज़दीक जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर यही बनते हैं कि हमारे पास जो एक तो हमारे पास जो है ये अपने रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हुई, जो कि एक सेफ और क्लियर सिनेरियो था। उसके बाद इसने अपना $61,200 वाला लोकल सपोर्ट एरिया भी ब्रेक कर दिया और इस वक्त जो है ये एक किस्म का है, तो इसके लिए जो है ये वाला $59,000 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ही। लेकिन जो है हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा क्लोजिंग यहाँ पर नहीं बल्कि $56,000 वाले एरिया पर हुई है। तो मेरे नज़दीक जो है सेफ सिनेरियोज़ अगर आप बिल्कुल सेफ एक किस्म के स्विंग ट्रेड सेटअप ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको $56,000 वाले एरिया का वेट करना चाहिए, जो कि शायद आपको आने वाले 48 घंटों के अंदर भी जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपने अगर BTC के ऊपर सेफ बिल्कुल ट्रेड या स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म की बाइंग करनी है तो उसके लिए आपको जो है $56,000 वाले एरिया का वेट करना चाहिए। $56,000 वाले एरिया से इंशाल्लाह जो है हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इन केस अगर हमें बाउंस बैक ना भी देखने को मिला तो फिर जो है मैक्सिमम यही है कि हमें शॉर्ट टर्म का पेन जो है वो BTC के अंदर $52,000 तक देखने को मिलेगा। और अगर आप डे ट्रेडर हैं तो हमारे पास जब तक जो है इस एरिया से अबव है पड़ी BTC की प्राइस, हमारे पास $59,000 वाले एरिया से अबव है पड़ी, फ़र्ज़ कर लें कि आने वाले 4 घंटे 4 ओवर टाइम फ्रेम चार्ट, 2 ओवर टाइम फ्रेम चार्ट या फिर जो है 1 ओवर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर BTC की प्राइस यहाँ पर साइडवेज के अंदर कंसोलिडेट करती है और पोटेंशियल शो करती है, तो यहाँ पर भी आप लोगों की क्विक स्कैल्प बिल्ड कर सकते हैं, वो भी टाइट SL के साथ। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कम फंड के साथ ही ट्रेड लेना अगर आप यहाँ पर ट्रेड बिल्ड भी करो, क्योंकि वो काफ़ी हद तक रिस्की होगी। और यहाँ पर तो मैं आपको ट्रेड सेटअप रिकमेंड नहीं करूँगा, हाँ अगर पर्सनली कोई ट्रेड सेटअप मिल गया तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूँगा, तो उन्हें लाजमी से ज्वाइन कर लें। अब ओवरऑल सिनेरियो मैं आपको समझा दूं भाई, वीकली चार्ट मुझे बैरिश नज़र आ रहा है क्लियरली इस वक्त,
डेली चार्ट भी इस वक्त मुझे बैरिश नज़र आ रहा है, जो कि कह रहा है कि 56,000 डॉलर तक BTC की प्राइस डंप कर सकती है। 4 आवर चार्ट के ऊपर ये क्विक स्कैल बनती है। और आल्ट कोइन की बात की जाए तो BTC हमारे पास क्रैश हुआ, लेकिन हमारे पास जो है BTC की डोमिनेंस जो है वो आप अगर देखें तो वो क्रैश नहीं हुई, और ये आल्ट कोइन के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि अब अगर BTC पम्प करता है तो शायद BTC की डोमिनेंस जो है वो हमारे पास मज़ीद पम्प करेगी, तो आल्ट कोइन जितना क्रैश हुए हैं वो दोबारा जो है रिकवर नहीं होंगे। तो इसलिए अपने आल्ट कोइन के ऊपर जो है स्टॉप लॉस टाइट रखो और अपनी पोजिशन को जो है वो छोटा रखो। सब कुछ समझ में आ गया? वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।